टीचर्स नहीं दोस्त जैसे बन चुके हैं, सीधा सिखाते हैं। एक बच्चे को भी आता होगा तो पूरी क्लास समझ रहा है ना। ऑब्जेक्टिव में एक बच्चे को भी आता, चोरी करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है। चोरी करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है। चोरी सीखना पाप नहीं, पुलिस का खुद चोरी सिखाना पाप है। एक बच्चे को भी आता होगा तो पूरी क्लास राम नाम जपना, सबका पेपर अपना। सबका पेपर अपना नहीं करना सर, मेरे दोस्त इरेजर के एक साइड पे ट्रू और एक साइड पे फॉल्स लिख के डाइस जैसे टेक कर गिवरी में। आज ठीक है ना? अरे यार उनका गाबी है, उन्हें तो उनका चैनल कैसे चलेगा। स्ले पॉइंट एक रोस्टिंग चैनल है जिन्होंने सारे टीचर फिजिक्स वाला तक को खींच लिया लपेटे में। तो मेरे को भी ले लिया लपेटे में। ये चलो अच्छी बात है ना। तो कभी भी ना चीजों को पॉजिटिव लेना चाहिए। अभी जैसे कि बच्चे बोल रहे कि स्ले पॉइंट ने तुम्हारा रोस्ट किया, तो मेरा अकेले का थोड़ी किया है। सबका किया, इंडिया के बहुत सारे जो टीचर्स है सबका कर दिया, मैंने देखा वो वीडियो। तो अब उस चीज को लेके क्या मैं नाराज हूँ? क्या यार तुमने मेरे को रोस्ट कर दिया, मैं तो बच्चों को पढ़ा रहा था। ओके, क्योंकि आपकी जिस दिन इंग्लिश की एग्जाम थी उस दिन 50% से ज्यादा बच्चे बहुत डिप्रेशन में थे। 25% बच्चे एग्जाम ड्रॉप करने वाले थे, 12वीं की बोर्ड एग्जाम। इंग्लिश का पेपर था, बोले साल भर इंग्लिश नहीं पढ़ा। उस समय बच्चों की हिम्मत बनाने के लिए मैंने बोला था बेटा चोरी करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है। और उस टाइम मैंने उन बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश की थी कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो रियलिटी है कि यार पूरे क्लास में आंसर घूमते रहते हैं।